अर्पण करें, कैसा भी एक फूल श्रद्धा और प्रेम, उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसे मैं खाता हूं, खाने की वस्तु को खाता हूं, फूल को थोड़ी भगवान का। आप सोचते हो हाँ, अगर गोभी का फूल आप अर्पण करें बना के पका के, भगवान उस फूल को भी खाते हैं। खाने का तात्पर्य है ग्रहण करना। अशनामी प्रियतात्मना, प्रिय प्रिय भक्तों के हाथ से, तो फिर प्रिय भक्त बनना पड़ेगा। भक्त तो प्रिय ही होते हैं भगवान के। जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, भगवान के शरणागत हो गए हैं, वो भगवान के भक्त, प्रिय भक्त हैं। भक्तों को तो प्रिय शब्द भगवान ने लगाया है, भक्त तो सदैव ही उनके प्रिय हैं। भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभा। ये चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, तो इनमें अप्रिय कौन सा है? कोई नहीं। ना आरती अप्रिय है, ना अर्थार्थी अप्रिय है, ना जिज्ञासु अप्रिय है, फिर ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञानी भक्त के लिए भगवान ने यह जरूर कहा है कि इन चारों प्रकार के भक्तों में से वह ज्ञानी भक्त जो सदैव मेरा निरंतर भजन करता है, तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, उस ज्ञानी की नजरों में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं होता, मैं ही मैं होता हूं उसके हृदय में, रात दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सदैव मैं रहता हूं। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त, नित्य युक्त बोले तो सदैव भगवान की सेवा में हाजिर रहता है। यथाशक्ति, जैसी उसकी शक्ति है, जैसा भगवान ने उसको पर वृद्ध किया है, ऐसी शक्ति से वो भगवान की सेवा में हाजिर रहता है सदैव। फिर वो कुछ भोजन बनाता है, उसको पहले भगवान को अर्पण करता है, प्रणाम करके बुलाता है, आई प्रभु मेरे, आपने इतना सुंदर भोजन दिया मुझे, आप पहले आरोगो, आप पहले इसका ये भोग पाइए। या कोई सुंदर फल ला के भगवान को अर्पण करता है, भगवान की तस्वीर के सामने अर्पण करता है, या भगवान को जहां भी देख लेता है वहां अर्पण करता है, किसी बच्चे में या किसी मित्र में या किसी अपनी पत्नी में या किसी देवालय में या कोई नदी के रूप में उसका भाव आ जाए, किसी वृक्ष के रूप में, जहां भी उसका भाव आ जाए वो भगवान की सेवा कर देता है। भगवान उनके हृदय में बसे हुए हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सहचय मम प्रिय। भगवान ने कहा कि अत्यंत गहराई में जाकर के देखा जाए तो ज्ञानी भक्त की दृष्टि में, ज्ञानी भक्त के हृदय में, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्यार करता है। सहचय मम प्रिय है और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि आरती मेरा अप्रिय भक्त है और ज्ञानी प्रिय है, ये तो नहीं कहा है। प्रिय तो सभी है, लेकिन अत्यंत प्रिय ज्ञानी भक्त है, ये सत्य है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सहचय मम प्रिय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उप्रतम। भक्ति यानी प्रेम, प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे प्रेमी भक्त के हाथ से मैं जल भी पीता हूं, फल भी खाता हूं, तुलसी का पत्ता भी खाता हूं, और कोई और भी पत्ता अर्पण कर दे उसको ग्रहण करता हूं, कोई फूल अर्पण कर दे उसको ग्रहण करता हूं। हाँ, गोभी का फूल हो तो
सब्जी बना के दो, भगवान उसको भी खाते हैं। ये मत सोचो भाई हजारे का फूल दे दिया आपने या गुलाब का फूल दे दिया और भगवान खा जाए, ग्रहण करते हैं। या कैसा भी फूल आपने दे दिया उसको ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ को धतुरेर आंकड़े के फूल भी पसंद है, वो उनको भी ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ भी भगवान के ही अंश अवतार हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। भोलेनाथ मृत्यु के संहारक देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, महामृत्युंजय उनका मूल मंत्र है जिससे प्रसन्न होते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्त को। यत करोसि यदश्नासी यत जोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेयो तद कुरुस्व मद अर्पणम। हे कुंती नंदन, जो तू कुछ करता है, खाता है, पीता है, कोई आहुति देता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, या कोई दान देता है, या तप करता है, ये सब का जो फल आता है वापिस तेरे पास इन कर्मों का, इसे मुझे अर्पण कर। इस विषय में काफी विस्तार से बोला था मैंने पिछले सत्संग में, लेकिन अर्जुन के मन में तो अवश्य प्रश्न उठा है। आप जान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न पूछने से पहले ही, क्योंकि शब्दों में ही हर चीज तो नहीं प्रश्नवाचक बनती, चेहरे पे प्रश्न पढ़ लिया जाता है। आप भी किसी के प्रश्न को पढ़ सकते हो, आप कुछ ऐसी बात बोलो तो कोई भी व्यक्ति प्रश्न करेगा। तो कृष्ण ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो अर्जुन के प्रश्न उठने वाला है, स्वाभाविक है कि सारे कर्मों का फल यदि मैं आपको करूंगा अर्पण तो इससे मुझे क्या लाभ होगा, ये तो बतला दो, ये प्रश्न स्वाभाविक है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया और खुद ने ही उसका जवाब भगवान ने दिया, वो ही 28वां श्लोक है 9वें अध्याय का। शुभा अशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि। तो सत्संग ये था कि ये शुभ और अशुभ फल क्या है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा करने से आदमी ये प्राणी शुभ और अशुभ के फल से मुक्त हो जाएगा। ये शुभ और अशुभ का फल क्या है जिससे भगवान मुक्त करा रहे हैं, ये पिछले सत्संग में कहा था। पूर्ण कर्म करते हैं देवताओं का प्रसन्न करने के लिए, लोग यज्ञ भी करते हैं, दान भी देते हैं, देवताओं का पूजन भी करते हैं, देवताओं को भोग भी लगाते हैं, देवताओं के लिए कर्म भी करते हैं, उनकी मंदिरें बनवाते हैं, उनको प्रसन्न करने के अनेकों उपाय करते हैं। और देवता यदि प्रसन्न हो जाए तो देवताओं के अंदर ऐसी शक्ति है कि, और ये प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक देवियां हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण की, ये मदद करती हैं उस आत्मा को, देवलोकों में शरीर प्रदान करवाती हैं, उसको शरीर मिल जाता है देवताओं का जैसा। पूर्ण करने वालों को, देवताओं को प्रेम करने वालों को, कहीं कि देवताओं के प्रेमी को देवलोक मिल जाते हैं। जो जाई के भावता सोताई के पास, कमोदनी जल हरिबसे चंदा बसे आकाश, जो जाई के भावता सोताई के पास, रहीम जी कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी इस विषय में कहा है,
जिनके जिन पर सत्य सनेहु, सोती में मिला ही न कछु संदेहु। जिनका जिनके साथ सच्चा प्रेम होता है वो उसको इस जन्म में भी मिल जाते हैं और अगले जन्म में भी मिल जाते हैं, कछु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, यम यम वापी स्मरम भावम त्यजत त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जिन जिन विचारों का स्मरण करके ये प्राणी शरीर को त्यागता है उन्हीं में प्रवेश कर जाता है, उन्हीं विचारों को लेकर के दूसरे घर में चला जाता है, उन विचारों के लेवल पर चला जाता है। तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामि वैश्यसि असंशय। इसलिए ही अर्जुन सभी समय में, पल प्रतिपल में, क्षण क्षण में मुझे स्मरण कर, युद्ध में, तेरे जीवन में, तेरे जीवन रूपी युद्ध में, ऐसा करने और तेरे मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दे। मन से और बुद्धि से जो भी करता है वो उसका फल मुझे अर्पण कर, मन बुद्धि को मेरे कर्मों में लगा, मेरी सेवा में लगा, ये अर्पण मन बुद्धि का अर्पण है। तो निश्चित रूप से असंशय, इसमें संदेह नहीं है कि तू मुझे नहीं मिलेगा, तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरे धाम को आ जाएगा, परम धाम श्री गोलोक वृंदावन में तू मेरा मित्र बन के आ जाएगा, मेरा पार्षद बनेगा, मेरा दास बनेगा, मेरा भक्त बन के, मेरा प्रेमी बन के रहेगा। भक्त का मतलब आप छोटा नहीं समझिए, भक्त का मतलब ही प्रेमी है। भक्त का, भक्त संस्कृत में प्रेमी को कहा है, इसलिए भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम, ये चार प्रकार के भक्त मेरे हैं अर्जुन, ये चार प्रकार के प्रेमी मेरे हैं, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ये जरूर तुरप लगाई है भगवान ने, क्यों? ज्ञानी भक्त भगवान को तत्व से जानता है, तत्व से ही जानना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है भक्ति का। जिनको उस प्रभु से प्रेम हो गया है उनको सर्वत्र से प्रेम हो गया है, जिनको उन प्रभु से, गोविंद से, सबको जो प्रेम, उनका सच्चा प्रेम मिल गया है, उस भक्त के हृदय में सभी का सम्मान, सभी का प्रेम जागृत हो गया है। कीट पतंगों का ही भी, पशु पक्षियों का भी वो आदर करता है, देवी देवताओं का भी वो आदर करता है, जीसस मोहम्मद का भी वो आदर करता है। बुद्ध महावीर का भी आदर करता है, गुरु नानक देव को भी वो कृष्ण स्वरूप से देखता है। एक है सादे सब सदे, एक से जिसका प्रेम हो गया उसका प्रेम सर्वत्र फैल जाता है, ये तत्व ज्ञान है, ये ज्ञानी महात्मा के अंदर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अत्यर्थम अहम सहच मम प्रिय हो। ये ज्ञानी भक्त मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है अर्जुन, अति अर्थों में अत्यंत, सहच मम प्रिय हो, और वह भी मुझे प्रिय है और उसकी दृष्टि में मैं अत्यंत प्रिय हूं। शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाएगा अर्जुन ऐसा करने से। यदि तू तेरा कार्य जो भी कुछ कार्य करता है, कर्म करता है, इंडस्ट्री लगाता है, बाग लगाता है,
खेती करता है, मूंगफली बेचता है, भजन करता है, तप करता है, हवन करता है, या कुछ दान करता है, ये मेरे मुझे अर्पण कर, क्या बात है, कितनी स्वादिष्ट बात है, कितना आनंद है भगवान के शब्दों में। ऐसा करने से तो शुभ और अशुभ जो संसार के फल हैं, दो फल इस संसार में हैं, शुभ और अशुभ। किसी को शुभ फल मिलता है तो उसकी तरक्की होती है, वो देवलोकों तक चला जाता है, लेकिन वहां भी एक बाधा है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब वह आत्मा फिर वापस नीचे आती है मर्त्यलोक में, ये मृत्यु संसार में, फिर जन्म मरण जरा व्याधि, मनुष्य योनि में, कभी गधे घोड़े में, उसके चांसेस हो जाते हैं, गिर जाती है, पतन होता है उसका, देवलोकों से पतन होता है। और अशुभ करने वाले का तो पतन है ही, उसका तो कहना ही क्या है, अशुभ करने वाला तो नरक तक चला जाता है, रसातल में चला जाता है, पाताल में चला जाता है, या गधे घोड़े की योनियों में, कुत्ते बिल्लियों में चला जाता है, यह भी नरक समान ही है। ये पृथ्वी पर भी नरक है। त्रिविधम नरकश्च इदम द्वारम नाशनम आत्मना, ये तीन दरवाजे नरक के यहीं पर खुले हुए हैं, काम क्रोध तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम् तजेत, ये काम क्रोध लोभ ये तीन दरवाजे नरक के हैं। इसलिए अर्जुन ये तीनों को तू त्याग दे, काम वासना संसार के भोगने की, संसार को भोगने की बड़ी बड़ी अभिलाषाएं, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं, इनको त्याग दे अर्जुन, तस्माद एतत् त्रयम् तजेत, इन तीनों को त्याग दे, तब मेरी तुझे अनुभूति होगी, मेरे पास आएगा। शुभाशुभ फले रहो, शुभाशुभ फले रहो, मोक्ष से कर्म बंधने, ये कर्मों का, शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, अशुभ का अशुभ होता है। तो शुभ फल जो देवताओं के प्रति पूर्ण धर्म कर्म तो ऊंचे लोक मिल जाते हैं, अशुभ जो है अशुभ नीच कर्म है, कोई गुंडे भाई के साथ लग जाओ, गैंगस्टर बन, इस्टर बन जाओ, बेईमान बन जाओ, चोर पाप डाक जो भी कुछ बन सको बन जाओ, रिश्वत खो जमा खो, तो ये अशुभ कर्म है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अर्पण करने से तू ये दोनों से मुक्त हो जाएगा, शुभ से और अशुभ से। शास्त्र कहते हैं कि ये देवलोक भी अशुभ है, इनमें भी भोग विलासी हैं और पतन है, और बार बार फिर यही जन्म मरण है, तो ये अशुभ ही कहलाएंगे, ये संसार ही अशुभ है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है परीक्षित महाराज को कि संसार दुखालय है और अशाश्वत है, ये संसार दुख का घर है और टेम्परेरी है, अस्थिर है, यह सुख नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि इन शुभ और अशुभ दोनों से तू मुक्त हो जाएगा। अगर तू तेरे तमाम कर्मों को जो तू कुछ करता है उनको मुझे अर्पण करेगा तो, और मेरी प्राप्ति कर लेगा। शुभाशुभ।
मुख्य ग्रंथों का हमने दर्शन किए हैं गुरु महाराज की कृपा से, जब छोटी उम्र थी बहुत तब हमने सब किए हैं।